हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे। अच्छे नहीं है तो उस ब्लॉग को देखकर अच्छे हो जाएंगे। सो गाइस, आज बहुत ही अच्छा दिन है। आज मैं जा रहा हूँ अपनी वर्टस का डैश कैम लगाने। ठीक है, तो ये रहा डैश कैम, आप देख सकते हैं। एंड हमने इसको अमेजोन से ऑर्डर किया था, मुझे करीब 18-19 हज़ार का पड़ा है। मैं आपको बता दूंगा कितने का पड़ा एग्जैक्टली। यहाँ पे एक बार चेक कर लूँ पूरा सब कुछ इसका डिटेल्स, क्योंकि मेरे को कल ही रिसीव हुआ है। आज मैं जा रहा हूँ इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस करवाने। सो आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे कि कैसे है एंड क्या है एंड कितने का मुझे इंस्टॉलेशन के साथ पड़ता है। वैसे अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था तो प्राइस ठीक ठाक आ गया था, क्योंकि मैंने अभी जो दिवाली की सेल थी उसमें ऑर्डर किया था। तो चलो दिखाते हैं आप लोगों को डैश कैम क्या है। खोलने में तो आईफोन जैसा लग रहा है बिल्कुल सिस्टम। और गाइस, ये आप देख लो, ऐसा होगा फ्रंट में, ये लगेगा हमारे जो मेन विंडशील्ड होते हैं उस पर, और इसमें दिखेगा सब कुछ। तो गाइस, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी है यार। मतलब क्वालिटी देखो आप, 3M की टेप लगी हुई है, और ये 360 कैमरा है तो ये पूरा रोटेट हो जाएगा ये जो पार्ट है। एंड 4K तो है गाइस। तो अगर आप भी कोई सोच रहा है डैश कैम लगाने का, तो गाइस मैं यही आपको रेफर करूँगा। बाकी एक बार जब मैं चलाऊँगा, लगाऊंगा, इंस्टॉल करूँगा, उसके बाद जो इफेक्ट्स आएंगे, जो वीडियो क्वालिटी आएगी, वो सब तो आपको वीडियोस में दिखी जाएगा मेरे आने वाली। बट स्टिल ये आप यहाँ पे देख लो, इसका जो मतलब जो डिज़ाइन है एकदम मैट फिनिश में है, जो मतलब जो कितना टच फील है वो एकदम मैट का है, तो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फील हो रहा है। और ये हटाते हैं, देखते हैं इसके नीचे कुछ है क्या। हाँ, इसके नीचे वायर्स है। वैसे थोड़ा सा ये पढ़ने मटेरियल भी है, जो कि हम पढ़ते बहुत कम है, बट मैं पढ़ूंगा। और ये वायर्स है इसकी, जो कि इंस्टॉल होते टाइम लगेगी गाड़ी में। एंड गाइस, इसके साथ मैंने एक और वायर भी मंगवाई है, जिससे 24/7 रिकॉर्डिंग करेगा, इवन जब डैश कैम बंद होगा। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग सिर्फ जब गाड़ी चलाते हैं तब डैश कैम ऑन करते हैं, और या ऑन उसको ऑन रख पाते हैं। बट ये वाला जो है ना पर्टिकुलर डिवाइस, ये गाड़ी जब पार्क भी हो जाएगी और पड़ी रहेगी, खड़ी रहेगी, तब भी रिकॉर्ड करता रहेगा। तो इसको बंद करते हैं। ये हो गया अपना फ्रंट का काम। अब आपको दिखाते हैं रेयर का सेटअप कि कैसा है। तो ये इसको यहाँ से खोल लेते हैं। और गाइस, जो मेरा फोल्ड 5 है ना यार, ये है ना मेरे उस पर नहीं टिकता, क्या बोलते हैं उसे, ट्राईपॉड पे। तो उस चक्कर में ना मुझे फिर पूरा ही हाथ में पकड़ के रिकॉर्ड करना पड़ता है, क्योंकि ट्राईपॉड मज़ा ही नहीं आता इसको टिकना आने का। और गाइस, ये है अपना फिर रेयर कैमरा। चलो 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 भाई, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, प्यार से प्यार से प्यार से। जी 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 जी, ओके। सो ये आपको दिख जाएगा रेयर कैमरा, कुछ इस तरीके से रेयर कैमरा। एंड ये पीछे लगेगा, एंड पीछे से सब रिकॉर्ड करेगा, आने वाली जाने वाली सारी गाड़ियाँ। और आपको स्क्रीन तो देखी गई थी इस वाले में, तो स्क्रीन इसकी स्क्रीन पे दिखा देगा बैक का भी। ये टेप है, इसके साथ ही रखते हैं इसको। और ये रहा पूरा अपना 4K ड्यूल चैनल डैश कैम। तो चलो चलते हैं फटाफट से इसको इंस्टॉल कराते हैं, उसके बाद आप लोगों को मिलते हैं। 2000 years later. सो गाइस, अपना प्लान कैंसिल हो गया है डैश कैम लगाने का, बिकॉज आज है संडे एंड चंडीगढ़ की मोटर मार्केट होती है बंद, जो कि हम लोग भूल गए थे। स्पेसिफिकली मैं भूल गया था, क्योंकि मैं भाई के पिछला कि चलते चलते लगवाते हैं। सो ये प्लान तो पोपट हो गया। एंड अभी हमने सोचा थोड़ी फूड वॉकिंग कर लेते हैं यार, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे कुछ चंडीगढ़ में कुछ यू नो अच्छी ओल्ड विंटेज जगहें आपको दिखाएं, जहाँ पे आप खाने के लिए देख सकते हो। अगर आप में से कोई चंडीगढ़ पहली बार आ रहा है तो उसको खाने की कुछ अच्छी जगहें बताऊँ, ठीक है, जैसे बेकरी शॉप हो गई या फिर कुछ भी जो हमें पसंद है हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो अभी प्लान हो रहा है यहाँ की सबसे ओल्डेस्ट बेकरी पे जाने का, ठीक है, और शायद वहाँ जाएंगे, और उसके बाद हम लोग जाएंगे बबल कैफ़े में भी। तो चलो ब्लॉग में बने रहो। वैसे अगर आप लोगों को ये वाला चौक पता है जो चंडीगढ़ के लोग हैं, तो बता दो कौन सा चौक है। एंड वहाँ पे अपना PGI है। सो चलो फटाफट से चलते हैं एंड आपको दिखाते हैं कि हम क्या खाते हैं। तो गाइस, फाइनल आ चुके हैं सेक्टर 10D में, जो कि है कैपिटल बेकरी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, ये चंडीगढ़ की कहते हैं सबसे बेस्ट बेकरी है। तो आइए पता करते हैं कि एक्चुअली में बेस्ट है भी या सिर्फ बोला जाता है। तो चलो फटाफट चलते हैं अंदर। तो भाइयों, फाइनली हम लोग एंटर हो रहे हैं कैपिटल बेकरी में, जो गाइस ऑलमोस्ट 50 साल पुरानी है। मतलब 50 साल से चंडीगढ़ में होना और उसी जगह पे सेम जगह पे होना बहुत बड़ी बात है। सो गाइस, इसका फर्स्ट लुक कुछ ऐसा था कि काफ़ी ज़्यादा छोटी थी एंड क्यूट सी थी शॉप। सो मुझे लगा कि यार मतलब वैरायटीज उनके पास काफ़ी थी, केक्स हो गए, स्विस रोल्स हो गए और एक्लेयर्स हो गए, मतलब जितना भी बेकरी का प्रोडक्ट था उनका सब कुछ था एंड काफ़ी अच्छे प्राइस पे था। बट मुझे यहाँ पे आने के बाद पता चला कि यहाँ के जो फेमस है वो है स्विस रोल, क्योंकि हर कोई स्विस रोल खा रहा था। एंड भाई ने भी बताया कि हमें स्विस रोल ट्राई करने चाहिए। तो अभी हम लोग ट्राई करने वाले हैं कि स्विस रोल और एक्लेयर्स। बट आप लोग देखो यार, इनकी वैरायटी बहुत सारी है स्विस रोल की भी। सो फटाफट से स्विस रोल ट्राई करते हैं एंड उसके बाद आपको बताते हैं रिव्यू। और गाइस, प्राइस तो मतलब माशाल्लाह बहुत ही कम है। और यहाँ पे मैं अपने आप को देख रहा हूँ शीशे में, क्योंकि शीशा भी बड़ा एस्थेटिक सा लग रहा था। तो चलो फाइनली हम लोग ट्राई करने वाले हैं स्विस रोल। नहीं जो है यार, बहुत सॉफ्ट है एंड बहुत फ्रेश है। द बेस्ट पार्ट, मैंने इतना फ्रेश क्रीम स्विस रोल कहीं नहीं खाया पूरे चंडीगढ़ में।
कैसा है? मस्त है। इनके जो स्विस रोल्स थे ना यार, इतने अच्छे थे ना कि हमने घर वालों के लिए पैक करा लिए। सो गाइस, कैपिटल बेकरी आप लोग आ सकते हो सेक्टर 10 में। गूगल मैप से आपको सिर्फ कुछ नहीं डालना, सिर्फ कैपिटल बेकरी करके लिखना है। अगर आप ये भी लिखोगे ना बेस्ट स्विस रोल इन चंडीगढ़, तो भी कैपिटल बेकरी सबसे ऊपर आ जाएगा। सो आप आ सकते हैं एंड अपनी स्वीट टूथ क्रेविंग को यहाँ पे मिटा सकते हैं गाइस।